जय गुरुदेव। आज ज्ञानवर्धक बातों में खुशबू जी का जो ईमेल आया है उसके लिए हम एक मंगल दोष निवारण की विधि बताना चाहते हैं। ये सभी लोग जिनकी कुंडली में मंगल दोष है या अंगारक दोष है या कोई भी प्रकार की मंगल से तकलीफ हो रही है तो वो व्यक्ति इसको कर सकते हैं और राहत पा सकते हैं और अपने आप को मंगल दोष अंगारक दोष से मुक्त कर सकते हैं। क्या विधि है इसमें? 21 मंगलवार उपवास करना है। सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं खाना पीना है और अगर नहीं रह सकते भूखे तो लिक्विड्स पे, जल पे या जूस इत्यादि पे आप रह सकते हैं। शाम को भी कुछ भी नहीं खाना है। अगर नहीं रह सकते तो शाम को उपवास का भोजन अर्थात सुरन, कंद मूल, फ्रूट्स, साबूदाना, आलू, ये सब चीजें उपवास का भोजन, सात्विक भोजन आप खा सकते हैं। और 21 मंगलवार को उपवास करना चाहिए। एक भी मंगलवार ये उपवास छूट गया तो फिर से शुरू करना पड़ेगा। समझो 18वें मंगलवार पे मंगलवार नहीं किया, टूट गया, तो 19वां मंगलवार जो है वो 18वां नहीं गिना जाएगा, वो पहला गिना जाएगा, फिर से शुरुआत होगी। अब ये मंगलवार का उपवास कैसे करना है और इसकी गिनती और इसका आपको समावेश कैसे करना है, इसके बारे में थोड़ी बातचीत समझ लेते हैं। पहले मंगलवार को आपको शाम को संध्या होने के बाद एक चम्मच खीर खा के फिर उपवास का भोजन लेना है, अगर लेना चाहो तो। मैं एक चम्मच खीर खाना अनिवार्य है, जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मंगलवार को एक चम्मच खीर खाने के बाद आप अपना उपवास खोलेंगे, उपवास के भोजन से आपका उपवास का भोजन लेंगे। दूसरे मंगलवार को दो, तीसरे को तीन, चौथे को चार, पांचवे को पांच, छठे को छह, बढ़ाते बढ़ाते 11वें मंगलवार को 11 चम्मच खीर लेंगे। 12वें मंगलवार को कम करेंगे, 12वें मंगलवार को 10 चम्मच, 13वें को 9, घटाते घटाते 21वें मंगलवार को फिर से एक चम्मच खीर हो जाएगी। ऐसा करने से आपको मंगल की जो पीड़ा है, मंगल का जो दोष है वो कम हो जाएगा और जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी हो जाएगी, जिनकी कोई भी प्रकार की दुविधा है, तकलीफ है, वो हल हो जाएगी और कोई भी तकलीफ आपको रहेगी नहीं मंगल या अंगारक योग से जुड़े हुए। तो सारे लोग जिनको मंगल की तकलीफ हो वो यह कर सकते हैं और अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। शादी विवाह में जम नहीं रहा हो तो भी ये विधि करके उससे, इस तकलीफ से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। हरिओम तत्सत।